बंटवारे ने सब कुछ छीन लिया है हमारा, पर मेरे माँ बाप जी ने जो मर्यादा और संस्कारों की दौलत मुझे दी है वो अब भी मेरे पास है। मैं यहाँ इस घर में इस घर की बहू बनकर आई हूँ, तो इस घर की इज्जत अब मेरी इज्जत है और मैं उस पर कभी आँच नहीं आने दूंगी। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ बीच, आप मेरी चिंता ना करो और यहाँ से चले जाइए। ये मेरा घर है और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। हाँ बेशक हम रेफ्यूजी हैं, पर हम हमारी रगों में उस खानदान का खून लेकर चलते हैं जिन्होंने आज तक किसी का भी वादा तोड़ने का जुर्म नहीं किया। किसी का घर छीना गया तो किसी का शादी का सपना टूट गया, पर किस्मत खराब हो जाने से लोग बुरे नहीं हो जाते। नहीं बीजी, आपको अपनी छोटी बहन की कसम है, आप चले जाइए यहाँ से। चल ठीक है, लेकिन तू अपना ख्याल रखा। रानी माँ, किसी भी तरह की बदसलूकी या बदतमीजी के लिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ। अगर अमृत को किसी भी तरह की दिक्कत, किसी भी तरह की तकलीफ हुई ना वीर साहब, तो एक बात याद रखना कि अमृत का एक भाई है जिसकी जान बसती है उसकी बहन में। ये सब तो चलता ही रहता है, जीजे और साले में नोकझोंक तो होती रहती है ना। ना मसला है, संभाल लेंगे। चलिए सब लोग चलिए। तो अंगड़ाई ली है, बहुत लड़ाई बाकी है, बहुत मजा आएगा। आप भी चलिए आराम कीजिए। पूरा तमाशा तो देखना ही रह गया। जो नाटक का दूसरा हिस्सा था ना, ये देखकर लगता है कि पहला जो हिस्सा था वो कितना रोमांचक होगा, है ना। अब इस घर के कुंवर साहब छोटे मोटे लोगों के साथ झगड़ा करते फिर अच्छा नहीं लगता। अब यही इज्जत बची है अपनी रानी माँ की और उसके लाडले बेटे की। उसकी इज्जत जितनी भी है ना, इस घर के कई लोगों से बहुत ज्यादा है। बाहर वालों से लड़ना बहुत आसान होता है मोहन जी, मुश्किल होता है अपनों से और अपने आप से लड़ना। वो बेचारा बचपन से अकेला करता चला आ रहा है, काश उसके अपनों ने उसकी टांग खींचने के बजाय, उसका मजाक उड़ाने के बजाय उसके कंधे पर हाथ रखने की कोशिश तो की होती। लंगड़े घोड़े की टांग खींचने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही रेस में अपने आप हार जाता है। चलें। सुनिए, ये अपना बस्ता ले लीजिए। संभाल के पुष्पा,
पजमा आज खुदा से और कुछ भी मांग लेती ना तो वो भी मिल जाता। अमृत को लेके बहुत परेशान थी, सोचा तेरी एक झलक देख लो तो आराम मिल जाए। और देखना ऊपर वाले ने हम दोनों का इस तरह आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। और कहाँ चली गई जो तू? एक बार ख्याल नहीं आया तुझको मेरा, एक बार ढूंढने की कोशिश नहीं की तूने मुझे। कब से ढूंढ रहा था वजमा, मैं तुझे पागल हो गया था तूने। कड़वा सच सुनेगा या मीठा झूठ? कड़वा या मीठा, मैं सिर्फ सच सुनना चाहता हूं वशम, सिर्फ सच। कोठे पे थी तेरी वशमा और अब भी वही रहती है। बस तेरी एक झलक देखना चाहती थी मैं उदय, पर मेरी दुनिया तेरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। मेरा सब कुछ भूल जाना ही सही है। बहुरानी, नीचे खाना लग चुका है। जी, मैं अभी आई। हाय रब्बा, देरी कर दी मैंने। ठीक, माफ कीजिएगा मुझे देरी हो गई। आराम से बैठ जाओ। अपने घर पे तुम ये सब करती रही होगी, पर हमारे यहाँ इन कामों के लिए नौकर चाकर है। बैठ जाओ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.